सुबह उठना है, फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट लेना है, लंच पैक कराना है, ऑफिस या शॉप में भाग जाना है, शाम को आना है, फिर हाथ मुंह धो के फ्रेश होके कुछ स्नैक्स और टी लेना है, सोफे में बैठ के रिमोट के आगे टेलीविजन देखना है, 9:30 बजे डिनर करना है, फिर सो जाना है, फिर अगले दिन वही महीने के 50,000 गिने टके ले आने हैं और उसी में अपना जीवन चलाना है। यदि राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो आप लोगों ने ओयो रूल्स का नाम सुना होगा। कौन होल्ड कर रहे हैं? 28 साल का एक लड़का रितेश अग्रवाल। आप उसकी नेटवर्थ गूगल पर चेक करिए और फिर उसका बैकग्राउंड पता करिए आप, क्या वो राजा का बेटा था। अपने आप से स्वयं से पूछिए, आप अपनी इनकम में एडिशन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप स्टॉक मार्केट जैसे कंसेप्ट में जाते हैं, क्यूटीज में जाते हैं, अपने पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन पर जाते हैं, तो आप एड ऑन नहीं कर रहे होते हैं, आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जितने भी लोग आज टॉप मोस्ट हैं, उनको नहीं पता था वहां जाने के लिए क्या क्या करना है। आप इतिहास उठा के देखिए, लेकिन उनको ये जरूर पता था कि वहां उनको क्यों जाना है। कॉर्नर पर भुजिया बेचा करते थे, आज वो हजारों करोड़ रुपए का व्यापार कर रहे हैं। ओवरनाइट नहीं है, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, लेकिन वो प्रोसेस और सिस्टम पहले उनके अंदर चला। क्योंकि सिद्धांत कहता है जो आप कर रहे हो वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। तो ये जो बिलियनियर्स बनने की जर्नी है, उसमें आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट, इन सब का क्या महत्व है? आप एक बात मुझे बताइए जी, बिलियनियर कब बनोगे आप? जब आपकी नेटवर्थ हाई होगी। राइट। नेटवर्थ कैसे हाई होगी? मुझे जो समझ आया जी, जब मैंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ा जी, तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट को जब मैंने बारीकी से देखा तो मुझे समझ आया कि कोई व्यक्ति 4 तरीके से इनकम कमाता है। ओके। मैक्सिमम, या तो वो एम्प्लॉय होगा, राइट, या वो सेल्फ एम्प्लॉय होगा, राइट, या वो बिजनेस बिल्डर होगा, या वो इन्वेस्टर होगा। राइट। ठीक। अब आप बारीकी से देखो, इंप्लॉय होगा, मान लीजिए 1,00,000 रुपए महीने सैलरी मिल रही है उसको जी, 75,000-80,000 रुपए खर्च किया जी, बचा 10,000-20,000, क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, यानी पहले से चौथे में आया। ठीक है। अब 20,000 रुपए महीना बनाकर, 20,000 रुपए महीना बनाकर क्या वो बिलियनियर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्या वो ट्रिलियनियर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। लाख उसकी सोचो, लाख उसकी सोचो, लेकिन यदि गलत दीवार से सीढ़ी लगी हुई है जी, तो आप कितना भी चढ़ते चले जाएं, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आपको पता लगेगा कि यहां तक तो हमको आना ही नहीं था। सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाइए। सेल्फ एम्प्लॉय में भी आप क्या करेंगे? आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर लेंगे, 20,000 की जगह 40,000 बचा लेंगे, बचा के आप इन्वेस्ट करेंगे। अब जब आप बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। राइट। कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यू आर ओनली द एंड पॉइंट। राइट। विच बिकम्स इन योर माइंड। राइट। जितना चाहो उतना बढ़ा लो। राइट। खर्चे आप, ऐसा थोड़ी ना होगा 2 रोटी की जगह 4 रोटी 6 रोटी खाने लगोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ऐसा नहीं लगता। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी अपनी एक सीमा होगी। राइट। तो एक स्टेज पे जाके आपके खर्चे तो कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, बट इनकम के दायरे को बढ़ाने की कोई सीमा नहीं है। राइट। तो उस केस में जो आपकी सेविंग होगी आप क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। आप इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट। और मुझे लगता है जो रियल बिजनेसमैन होता है जी, वो 5-6% की एफडी नहीं तलाशता। राइट। बिजनेस माइंड व्यक्ति बिजनेस को ही पकड़ता है, इक्विटीज को पकड़ता है। राइट। अब इक्विटीज बैंक में तो नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। बैंक में तो एफडी मिलेगी। राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बैंक में ना जाएं, इट्स ओनली योर चॉइस। जैसा कि बिजनेसमैन जो होता है वो अपने बिजनेस में रिस्क ले रहा होता है, तो ही अंडरस्टैंड द रिस्क, सो ही विल ऑलवेज गो विद इक्विटीज ओनली। गो विद इक्विटी। राइट। तो वो इक्विटीज में जाएगा। राइट।
वहां पैसा लगाएगा। और इक्विटी में ग्रोथ की कोई सीमा नहीं होती। बिल्कुल, आपके पास क्या हो, बिलीव हो, आपके पास क्या हो, पेशेंस हो जी, आपके पास एक फाइनेंशियल गोल हो जी, और लास्ट एक डेडलाइन हो राइट, कि इतने साल तक हमने टिकना है राइट, तो मुझे नहीं लगता कि उसको जो है फंड थोड़े समय के बाद उसको अपना बेचना पड़ेगा राइट। तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट राइट। रीजन हम इक्विटीज में जाते हैं, हम सीधे बिजनेस में पैसा लगाते हैं राइट, इधर अपना बिजनेस भी चल रहा है उधर से भी लाते हैं राइट। जैसा कि आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताया, एज अ लेमैन भी कोई भी समझ सकता है, मैं थोड़ा सा इसे इलेबोरेट करना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप अपना जो बिजनेस कर रहे हो उसके अलावा भी कई बिजनेसेस कर सकते हो। अब अगर आपने इक्विटीज में इन्वेस्ट किया है तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे कि रिलायंस में धीरू भाई अंबानी थे, मुकेश अंबानी थे, अगर आप रिलायंस खरीदते हो तो आप शेयर होल्डर तो है और आपको काम भी नहीं करना पड़ रहा, लेकिन वो आपके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना पैसा बनाना है, इसलिए आपका पैसा तो ऑटोमेटिक बनेगा। तो आप बिजनेसेस ढूंढिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो बिजनेस के साथ में ये बिजनेस आपके सेपरेट होते चले जाएंगे। और दुनिया में एक सीधा सा सिद्धांत है, अपने आप से स्वयं से पूछिए, आप अपनी इनकम में एडिशन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं या मल्टीप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं राइट, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। जब आप स्टॉक मार्केट जैसे कंसेप्ट में जाते हैं, क्यूटीज में जाते हैं राइट, अपने पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन पर जाते हैं राइट, तो आप एड ऑन नहीं कर रहे होते हैं, आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब आप कहोगे कैसे, तो मैं आपसे कहूंगा दो और दो जोड़िए कितने हुए चार, फिर दो जोड़िए कितने हुए छह, फिर दो जोड़िए फिर कितने हुए आठ, अब टू इंटू टू इंटू टू को चार बार मल्टीप्लाई करिए, टू इंटू टू हुआ फोर, फोर इंटू टू हुआ एट, एट इंटू टू हुआ 16, यहां से 8 रुपए आ रहा है और यहां से 16 आ रहा है सेम टाइम में, सिंपल राइट। तो यहां आप वही बने हुए क्योंकि आप जोड़ के काम में लगे थे राइट, जैसे मैंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट में आपको बताया राइट, और यहां आप तुरंत डबल हो गए राइट। तभी बहुत सारे आम व्यक्ति सोचते हैं, यार कल तक तो 10-5 साल पहले तो इस बंदे के पास इतना पैसा नहीं था, आज कहां से आ गया राइट। तो उसने अपने मनी को जोड़ वाले काम में नहीं लगाया, मल्टीप्लिकेशन में लगाया, मल्टीप्लिकेशन में राइट, एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया। तो बिलियनियर की जर्नी में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स भी एक अहम रोल निभाते हैं या एक सेकेंडरी इनकम, सेकेंड हैंड बनते हैं आपकी कैपिटल को ग्रो करने के लिए। एक आखिरी क्वेश्चन इस पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि सबके माइंडसेट में ये भरा हुआ है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो बिलियनियर्स ऑलरेडी हैं, उनकी संतानें ही या उनके ही जो फैमिली चला रहा है वही मिलेनियर्स बिलियनियर्स बनेंगे। तो अभी आपने एक ऋतिक रोशन की पिक्चर देखी होगी सुपर 30, जिसमें कि उसने ये कमेंट डाला था कि यार राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो इस बारे में आप क्या विचारधारा रखते हैं कि कोई भी गरीब आदमी भी बिलियनियर बन सकता है? या मैं आपके क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले यही रोक दूं जी, यदि राजा का बेटा ही राजा बनेगा जी, तो आप लोगों ने ओयो रूम्स का नाम सुना होगा। बिल्कुल, कौन होल्ड कर रहे हैं? रितेश अग्रवाल जी, 28 साल का एक लड़का रितेश अग्रवाल राइट। आप उसकी नेटवर्थ गूगल पर चेक करिए जी, और फिर उसका बैकग्राउंड पता करिए आप जी, क्या वो राजा का बेटा था? नहीं, तो शायद आपको जवाब मिल गया होगा राइट। इसका मतलब राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये एक तुष्टीकरण है राइट, ये एक जहर है राइट, खुद को मारने का राइट, कि भाई हम तो गरीब मां बाप की संतान है तो हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकते राइट। आपने क्या किया, अपने आप को सांत्वना दे दी, क्यों? क्योंकि आप कंफर्ट जोन से एफर्ट जोन में जाना नहीं चाहते राइट। या दूसरा, आपके मन में वो आग नहीं है, वो जुनून नहीं है। या तीसरा और आखिरी, जो आपको मिल रहा है आप उसी में संतुष्ट है राइट। और इसी प्रकार के लोग ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं
कि राजा का बेटा है तभी राजा बनेगा। राइट। लेकिन प्रकृति ने ऐसा कहीं कुछ नहीं दिया है, सबको समान अवसर दिए हैं, सबको समान विचार दिए हैं। आप कैसे सोचते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, इट्स डिपेंड अपॉन कि कल आप क्या बनोगे। राइट। क्यों? क्योंकि आज आप जो भी हो, आप जो भी हो आज, वो आप अपने थॉट प्रोसेस के कारण हो। नहीं तो चेक करके देख लेना, आप आगे जो भी बनोगे वो भी अपने थॉट प्रोसेस के कारण बनोगे। तो आप जब अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर देते हो किसके अकॉर्डिंग, जहां आप जाना चाहते हो, तो आप अपने आप आगे चले जाते हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल देके आपने बताया। तो इसका मतलब कि आज के डेट में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जो सब चीजें हम इतना एक्सप्लोर करने का हमें अवसर मिल रहे हैं, तो कोई भी इंसान मिलेनियर बन सकता है। और उसके लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इस मैसेज के साथ में मैं यहाँ पे अपना वीडियो एंड करता हूँ। और मुझे लगता है एक लास्ट लाइन मैं सारे लोगों के लिए जरूर बोलूंगा जी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने आप से एक सवाल करिए जी, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। राइट। मैं अपने 46 साल के जीवन में जितने भी हजारों लोगों से मिला हूं जी, जिनसे मैं बात करता हूं या जिनसे मेरी बात होती है जी, बहुत सारे लोगों से मैं जब बात करता हूं, तो ओवरऑल मैंने निष्कर्ष के रूप में केवल एक ही बात समझी, उनके पास अपने जीवन का कोई मकसद नहीं होता है। राइट। ये 90% लोगों के साथ मैंने देखा है। राइट। वो चूहा दौड़ को ही अपने जिंदगी का मकसद समझ लेते हैं। राइट। चूहा दौड़ कैसे, सुबह उठना है, फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट लेना है, लंच पैक कराना है, ऑफिस या शॉप में भाग जाना है। राइट। शाम को आना है, फिर हाथ मुंह धो के फ्रेश होके कुछ स्नैक्स और टी लेना है, सोफे में बैठ के रिमोट के आगे टेलीविजन देखना है, 9:30 बजे डिनर करना है, फिर सो जाना है, फिर अगले दिन भाई महीने के 50,000 गिने टके ले आने हैं और उसी में अपना जीवन चलाना है। वो उसी को ही अपना मकसद समझते हैं। और मुझे लगता है ये मकसद नहीं है, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दायित्व तो है जिस औरे में आप रह रहे हैं। मकसद तो कुछ और होता है कि आप जीवन में बनना क्या चाहते हो। या यूं कहूं, छोटे में माँ बाप पूछते हैं भाई, बच्चे से लोग रिश्तेदार आते हैं कि भाई आपका बच्चा क्या बनेगा, या थोड़े समझ बाद आपको जब थोड़ा सा अकल आती है तो आपसे पूछा जाता है, तो आप कभी कहते हो हम पायलट बनेंगे, हम अच्छे डॉक्टर बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम पॉलिटिशियन बनेंगे। राइट। बट थोड़े उसके ही थोड़े समय बाद क्या होता है, हवा निकल जाती है, सब हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर से वो चीज नहीं आई, अंदर से नहीं आई, बाहरी आवरण से आई। और आपने क्या किया, आप उसी आवरण में रहे और आपने अपने जीवन का कभी मकसद नहीं बना पाया। राइट। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, अपने बेटे को भी बोलता हूं, जीवन का अपने मकसद तलाशो, तुमको जो करना हो वो करो। राइट। गलत चीज गलत हाथों में जाके हमेशा गलत हो जाती है। राइट। सचिन तेंदुलकर को बल्ले की जगह कलम थमा दी जाती तो कभी इतिहास नहीं लिखता। राइट। लता मंगेशकर जी को यदि माइक की जगह कहीं और बिठा दिया जाता तो आज इतिहास नहीं बनता। राइट। तो अपने अंदर की पोटेंसी पहचानो, उसको अपना मकसद बनाओ, उसको अपना ड्रीम बनाओ और आगे बढ़ जाओ। पूरा जहान आपका इंतजार कर रहा है। वेरी वेल सेड, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। और आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सर को बुलाते रहें, लगातार आग्रह है मेरा कि आप आते रहिएगा, ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेंगी आपके आने से। तो आप इसी तरीके की वीडियोस
को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे हेल्प करने की। और हम हर वेंसडे और सैटरडे को ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, आप जाकर ज़रूर देखें। इसके अलावा हम सोशल मीडिया के और भी प्लेटफॉर्म्स पे हैं, उसका हमने लिंक ट्री का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।